Let's start with Educative Avi. Hi, I'm your friend Avinash, and we are going to start biochemistry. In today's lecture, we understand the various biomolecules, their function, importance, what are the various sources of biomolecules, and how these biomolecules get digested in our body. So friends, aaj ke lecture mein hum dekhenge different बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, उनके फंक्शंस को जानेंगे, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, किस सोर्स से वो पाया जाता है और वो हमारे बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता है. सो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक. नाउ द फर्स्ट बायोमोलिक्यूल इज कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो नोन एज सैक्राइड. सैक्राइड जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड सैक्रॉन से आया है जिसका मतलब होता है सुगर. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को हम सैक्राइड्स भी कहते हैं और सैक्राइड्स ग्रीक वर्ड सैक्रॉन से आया है जिसका मतलब होता है सुगर. नाउ कार्बोहाइड्रेट करता क्या है? कार्बोहाइड्रेट का जो मेन फंक्शन है वो है प्रोवाइड्स एनर्जी. ये हमें एनर्जी प्रदान करता है. नाउ कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कंटेन सी एच एंड ओ. ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये कंटेन करता है. किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में. जैसा कि आप देख रहे हैं सी एच टू ओ. तो कार्बोहाइड्रेट्स आर नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. दे आर फाउंड इन आवर फूड एंड कैन बी ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी. सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. ये एक नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसे बनाना नहीं पड़ता है, ये नेचुरली अकर करता है एनवायरनमेंट में, जो कि कंटेन करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ये हमारे फूड में हम कार्बोहाइड्रेट को एज ए फूड इंटेक करते हैं और ये हमारे बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन दैट कार्बोहाइड्रेट परफॉर्म्स. तो कार्बोहाइड्रेट किन किन फंक्शनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सो carbohydrates provide energy, act as storage, provides structural support and act as genetic material. So basically जो carbohydrate है वो energy हमें provide करता है, वो एक storage की तरह act करता है, structural support body को provide करता है, organ को provide करता है और genetic material का compound की तरफ act करता है. Now come to sources. किन किन सोर्सों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं? तो देर आर मेनी सोर्सेज. सम ऑफ देम आर पोटैटोज, सुगर, बीन्स, मिल्क एंड राइस. तो ये मेनली सोर्सेज हैं जिससे हमें भारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं. सो फ्रेंड्स, हमने जाना कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या हैं, सोर्स क्या है. अब आइए आगे देखते हैं हाउ कार्बोहाइड्रेट गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट जो हम आहार के तौर पे लेते हैं, खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कैसे हमारे बॉडी में इंटेक होता है और फिर वो कैसे डाइजेस्ट होता है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे ही हम कोई भी फूड इंटेक करते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल राइस और पोटैटो, तो उसमें स्टार्च होता है. सो उसमें स्टार्च होता है. स्टार्च में क्या होते हैं? स्टार्च में पॉलीसेक्राइड्स होते हैं. पॉलीसेक्राइड्स का मतलब क्या होता है? सेक्राइड्स जो होता है वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का. पॉलीसेक्राइड्स, पॉली मीन्स मेनी, बहुत सारे जब सेक्राइड्स कंबाइंड होते हैं तो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं. तो जैसे ही हम स्टार्च इंटेक करते हैं वो पॉलीसेक्राइड के फॉर्म में होता है, तो हमारे पैनक्रियाज जो हैं, पैनक्रियाज सिक्रेट करते हैं. क्या सिक्रेट करते हैं? पाइलीन और पैनक्रियाटिक एमाइलेज. ठीक है, ये हमारे पैनक्रिया सिक्रेट करते हैं, रिलीज करते हैं, जो कि ये पॉलीसेक्राइड्स जो जो स्टार्च हमने लिया था उसको ये फर्दर डिवाइड करता है, ब्रेक करता है माल्टोज में. माल्टोज क्या है? माल्टोज डाइसेक्राइड्स है, मीन्स टू सेक्राइड्स आर कंबाइंड टूगेदर. सो हमने स्टार्च को इंटेक किया, जैसे ही हमने इंटेक किया तो हमारे पैनक्रियाज ने सिक्रेट किया क्या? पाइलीन और पैनक्रियाटिक एमाइलेज. इस
के चलते क्या हुआ, जो स्टार्च है वो ब्रेक डाउन हुआ माल्टोज में. माल्टोज क्या होता है, माल्टोज जो होता है वो डाइसैकेराइड्स होता है. नाउ फर्दर ये माल्टोज ब्रेक डाउन होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में. स्मॉल इंटेस्टाइन एक एंजाइम रिलीज करती है जिसे कहते हैं माल्टेज एंजाइम, और ये माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज में, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है. ठीक है, तो हमने कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में कैसे डाइजेस्ट हुआ, हमने सबसे पहले कोई भी इंटेक लिया, अगर राइस और पोटैटो लिया जिसमें स्टार्च है, स्टार्च में पॉलीसेक्राइड्स होते हैं. पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो जैसे ही हमारे बॉडी में इंटर किया तो पैनक्रियाज ने क्या रिलीज किया, पाइलिन और पैनक्रिएटिक एमाइलेज. और इस पाइलिन और पैनक्रिएटिक एमाइलेज के चलते जो स्टार्च है वो टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, माल्टोज में. माल्टोज क्या है, डाइसेक्राइड्स है. ये फर्दर डाइसेक्राइड्स ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज में, इसके मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन एक एंजाइम रिलीज करेगी जिसका नाम है माल्टेज, और इसके चलते ये ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाएगा जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट है, और इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में डाइजेस्ट कर जाएगा. नाउ जब कभी भी डाइजेस्टिव सिस्टम किसी भी इंसान का अगर कमजोर होता है तो वो डाइजेस्टिव टैबलेट्स लेते हैं. तो ये इन डाइजेस्टिव टैबलेट्स में क्या होता है, ये डाइजेस्टिव टैबलेट्स एंजाइम ऐड करते हैं जिसका नाम है गैलेक्टोज, और ये गैलेक्टोज के चलते आपका पॉलीसेक्राइड्स माल्टोज डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट होता है और डाइसेक्राइड्स मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट होता है, और इस प्रकार फूड जो है वो डाइजेस्ट कर जाता है. सो डाइजेस्टिव टैबलेट्स जो है सिंपली एक एंजाइम सेक्रेट करते हैं, रिलीज करते हैं, ऐड करते हैं डाइजेशन के लिए. सो फ्रेंड इस तरह हमने क्या देखा, हमने देखा कार्बोहाइड्रेट होता क्या है. कार्बोहाइड्रेट का मेन पर्पस है हमें एनर्जी प्रोवाइड करना. कार्बोहाइड्रेट को हम सैक्राइड्स भी कहते हैं जो कि ग्रीक वर्ड सैक्रोन से आया है जिसका मतलब होता है शुगर. कार्बोहाइड्रेट इज नेचुरली ऑकरिंग मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेन होते हैं. ये ब्रेक डाउन करता है ताकि हमें एनर्जी दे सके. फिर हमने देखा फंक्शंस क्या है इसके, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्टोरेज की तरह एक्ट करता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट और एंड एक्ट एज कंपोनेंट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल. नाउ फिर उसके बाद हमने सोर्सेज देखा, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सम ऑफ देम आर पोटैटो, शुगर, बीन्स, मिल्क, राइस. और लास्ट में हमने क्या देखा कि हाउ कार्बोहाइड्रेट गेट डाइजेस्टेड, कैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है. सो इसको हमने देखा, स्टार्च है, स्टार्च फर्दर ब्रेक डाउन होगा पाइलिन और पैनक्रियाटिक एमाइलेज के चलते माल्टोज में. माल्टोज फर्दर ब्रेक डाउन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से जो एंजाइम आता है माल्टेज के चलते ग्लूकोज में, और इन दिस वे कार्बोहाइड्रेट गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. नाउ द सेकेंड बायोमोलिक्यूल इज प्रोटीन. So the protein, the word protein is derived from Greek word proteos. Proteos का मतलब होता है primary. ठीक है, so protein जो है वो Greek word proteos से derive होता है जिसका मतलब होता है primary. Protein जो होते हैं वो polymers होते हैं वो of small unit of amino acid. Amino acid के small unit के छोटे छोटे कई सारे unit जब आपस में connected होते हैं तो वो protein को form करते हैं. So, protein are a class of nitrogenous organic compound which have large molecule composed of one or more long chain of amino acid. ठीक है? Now, protein is a class of natural product contain nitrogen and are essential structural component of cell. Protein क्या होते हैं? Natural products होते हैं, class of natural products हैं जो कि nitrogen contain करते हैं और जरूरी होते हैं. क्यों? और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल का जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसके लिए प्रोटीन जरूरी है. सो बेसिकली प्रोटीन है क्या, प्रोटीन जो है वो मेनी स्मॉल यूनिट, ढेर सारे छोटे 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 अमीनो एसिड के यूनिट जब आपस में मिलके पॉलीमर बनाएंगे तो वो प्रोटीन फॉर्म करेंगे. ठीक है, प्रोटीन इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि इसी के मदद से जो भी सेल के स्ट्रक्चर होते हैं वो प्रोटीन से ही बने होते हैं. नाउ
अमीनो एसिड को हम फर्दर डिवाइड किया कर सकते हैं दो टाइप में, इसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं? तो इसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड हैं विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट। जो वैसे अमीनो एसिड जो बॉडी में नहीं बन सके, आप खुद से नहीं बन सके और उसे हमें डाइट के तरफ से खाने में आहार की तरह से लेना पड़े, तो वो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं? आर दोज विद इन दैट सिंथेसाइजेस विद इन बॉडी। क्लियर है? नाउ इसेंशियल अमीनो एसिड के एग्जांपल्स हैं, जैसा आप देख रहे हैं, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन। तो ये जो है ये इसेंशियल अमीनो एसिड है जिसे जो कि बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं और इन्हें हमें बाहर से एज ए डाइट के तौर पे लेना पड़ता है। नाउ द प्रोटीन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे प्रोटीन को हम दो भाग में बांट सकते हैं, दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फाइब्रस एंड सेकेंड वन इज ग्लोबुलर। फाइब्रस क्या होते हैं? फाइब्रस जो होते हैं वो पैरेलल शेप के होते हैं। स्ट्रक्चर के बेस पे प्रोटीन को हमने दो भाग में बांटा, फाइब्रस और ग्लोबुलस। फाइब्रस वो प्रोटीन्स हैं जो पैरेलल शेप में होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, एक दूसरे से हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मसल्स में जो भी सेल होते हैं, सिल्क होता है, वूल होता है, हेयर होता है, तो ये सारे फाइब्रस प्रोटीन हैं। क्यों? क्योंकि इनका पैरेलल शेप का सेल होता है। नाउ सेकंड वन इज ग्लोबुलर। ग्लोबुलर क्या होता है? ग्लोबुलर जो होता है वो राउंड शेप में होता है, राउंड इन शेप, पॉलीपेप्टाइड कॉइल्ड अराउंड द स्फेरिकल शेप। राउंड शेप के होते हैं और जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं वो कॉइल्ड होते हैं, वो आउटर सेल में मढ़े हुए होते हैं, वो ग्लोबुलर सेल के ग्लोबुलर शेप के होते हैं। एग्जांपल एंजाइम्स, इंडोलाइंस एक्सेट्रा। चलिए अब देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन दैट प्रोटीन परफॉर्म्स। तो जैसा आपने देखा कि प्रोटीन जो है वो सेल के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फर्दर ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल। ये एंजाइम रिलीज करता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड टू फाइट इन्फेक्शन। प्रोटीन के मदद से ही हम जो भी आउटर इन्फेक्शन हमारे बॉडी को अटैक करता है तो प्रोटीन के मदद से ही हम उसे फाइट बैक करते हैं। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन के डिफरेंट सोर्सेज हैं पोल्ट्री, चिकन, मीट, फिश, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट, सोयाबीन एंड फ्रूट्स में देखें तो गुआवा जो है वो रिच, मोस्ट प्रोटीन जो है वो गुआवा में पाया जाता है, फ्रूट्स में। तो नाउ इंट्रोडक्शन, सोर्स और फंक्शन देखने के बाद अब हम देखते हैं हाउ प्रोटीन गॉट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। ठीक है, तो प्रोटीन हमारे बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता है? तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक से स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं। तो प्रोटीन जैसे ही हम इंटेक करते हैं सो हमारा जो स्टोमक है वो सिक्रेट करता है एक पार्शियल प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिनोजेन। ठीक है, स्टोमक जो है हमारा वो सिक्रेट करेगा एक पार्शियल प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन जो है वो इनिशियली इनएक्टिव होता है। नाउ जब स्टोमक इसे रिलीज करेगा तो इसे एक्टिवेट करने के लिए HCl रिलीज होगा जो कि कन्वर्ट करेगा पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में। नाउ दिस पेप्सिनोजेन जो इनिशियली इनएक्टिव था अब HCl से रिएक्ट करने के बाद ये पेप्सिन बन जाएगा और अब ये एक्टिव स्टेज में आ गया, अब ये किसी से भी रिएक्ट कर सकता है। नाउ जब हम प्रोटीन इंटेक करते हैं तो ये पेप्सिन जो है वो अटैक होता है, अटैक करता है किस पे? प्रोटीन पे। और ये इस अटैक के चलते क्या होता है, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है पेप्टोन में। ठीक है, नाउ पेप्टोन जो है वो फर्दर पेप्टोन पे पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट किया जाता है ट्रिप्सिन और ये पेंटो
पेप्टॉन, ये पेप्टॉन ब्रेक हो जाता है डाइपेप्टाइड में. नाउ दिस डाइपेप्टाइड इज फर्दर ब्रेक डाउन इन अमीनो एसिड व्हेन स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट्स एंजाइम कॉल्ड पेपिडेज एंजाइम. सो दिस पेपिडेज एंजाइम ब्रेक्स डाइपेप्टाइड इनटू अमीनो एसिड, और इस प्रकार प्रोटीन हमारा अमीनो एसिड सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट गया और बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है. सो बेसिकली जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है स्टोमक इटसेल्फ से, स्टोमक से ही स्टार्ट हो जाता है. सबसे पहले स्टोमेटा जो है, स्टोमक जो है हमारा, वो पार्शियल डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है पेप्सिनोजेन. पेप्सिनोजेन का और HCl का जब रिएक्शन होता है तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ दिस पेप्सिन एक्टेड ऑन प्रोटीन टू ब्रेक प्रोटीन इनटू पेप्टोन, एंड नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर सिक्रेट्स ट्राइपेप्सिन टू ब्रेक पेप्टोन इनटू डाइपेप्टाइड, एंड नाउ दिस डाइपेप्टाइड ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड व्हेन स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेट्स पेपिडेज एंजाइम, एंड by this whole process protein get digested in our body. So friends, हमने protein के बारे में क्या देखा? Protein के बारे में हमने देखा protein होता क्या है. तो protein क्या है? तो protein जो है polymer है of small units called amino acid. ठीक है, ये एक naturally occurring product है जो कि hydrogen contain करता है और essential होता है. क्यों? क्योंकि structural component of cell provide करता है ये. फर्दर हमने अमीनो एसिड को देखा, दो पार्ट में डिवाइडेड है, एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड. एसेंशियल आर दोज व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, और उसे हमें डाइट के रूप में बाहर से लेना पड़ता है, और नॉन एसेंशियल जो है वो हमारे बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेता है. नाउ प्रोटीन को हम फर्दर दो टाइप में डिवाइड किए बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, फाइब्रस एंड ग्लोबुलस. फाइब्रस जो होते हैं वो आपके हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड से हेल्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं. फिर हमने देखा फंक्शंस क्या हैं, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिलीज एंजाइम, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू फाइट इन्फेक्शन, और सोर्सेज क्या हैं, तो पोल्ट्री, एग, डेरी, सोयाबीन, गुआवा एक्सेट्रा. उसके बाद हमने देखा कैसे प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट होता है हमारे बॉडी में. तो हमने देखा इसमें कि प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो स्टोमक से स्टार्ट हो जाता है, स्टोमक सेक्रेट करता है एक पार्शियल प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिनोजेन जो कि इनिशियली इनएक्टिव होता है, लेकिन जब HCl इससे रिएक्ट करता है तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और ये फर्दर एक्टिव हो जाता है. नाउ जब प्रोटीन इंटेक करते हैं हम, तो ये पेप्सिन जाके उस पर एक्ट करता है, जिसके चलते प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाता है पेप्टोन में. फर्दर पेप्टोन ब्रेक डाउन होता है डाइपेप्टाइड में, डाइपेप्टाइड ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड में, और इन दिस वे प्रोटीन गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. नाउ हमारा थर्ड बायोमोलिक्यूल है लिपिड्स. लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं. नाउ नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है? वैसे सॉल्वेंट जिसमें सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपस में जुड़े हों उसे हम नॉन पोलर सॉल्वेंट कहते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल सी एंड एच, कार्बन और हाइड्रोजन. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, फैट, वैक्स, स्टेरॉइड्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन आर द मेन टाइप ऑफ लिपिड्स. लिपिड्स जो होते हैं, लिपिड्स स्टोर्ड इन बॉडी, लिपिड्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में स्टोर्ड होते हैं एज ट्राइग्लिसराइड के नाम से ये हमारे बॉडी में स्टोर्ड होते हैं. अब ये ट्राइग्लिसराइड्स क्या हैं? तो जब थ्री फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल को ऐड करेंगे तो ये बनाएंगे ट्राइग्लिसराइड. ओके, तो ये ट्राइग्लिसराइड जो है इज द मेजर सोर्स इन विच फैट्स आर स्टोर्ड इन द बॉडी. सो लिपिड क्या है? लिपिड बेसिकली जो है वो हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड के तौर पे स्टोर्ड एग्जिस्ट करते हैं, और ये क्या है? ये मेजर सोर्स है इन विच फैट आर स्टोर्ड, जिसमें चर्बी स्टोर्ड होता है इन आवर बॉडी. नाउ अब हम देखते हैं कि हाउ दिस ट्राइग्लिसराइड, ये फैट डेवलप कैसे होता है. तो जब कभी भी हम ग्लूकोज इनफ अमाउंट में खाएंगे, ठीक है,
तो ग्लूकोज जब फर्दर और ज्यादा अमाउंट में आप खाओगे तो वो ग्लाइकोजेन हो जाएगा, और फर्दर आपने ग्लूकोज को और कम नहीं किया और इंटेक और बढ़ा दिया तो ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड में। सो ग्लूकोज का इंटेक अगर ज्यादा मात्रा में करेंगे तो ग्लाइकोजेन हो जाएगा, ग्लाइकोजेन के बाद भी अगर हम ग्लूकोज का इनफ इंटेक कर रहे हैं तो वो ट्राइग्लिसराइड एज ए फैट कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ इसेंशियल, ये तो हुआ नॉन इसेंशियल। अब इसेंशियल फैटी एसिड्स भी हैं कुछ जो कि बॉडी में नॉन इसेंशियल हैं, जो कि बॉडी में डेवलप नहीं होते हैं लेकिन ये बॉडी के लिए इसेंशियल है, इसे हम हमें खाने के तौर पे लिया लेना पड़ता है। इसके एग्जांपल है ओमेगा 6, ओमेगा 3, जैसे आजकल आप रिफाइंड ऑयल पे लिखा हुआ देखते हैं ओमेगा 6 ओमेगा 3, या फिर आप लोगों ने चिया सीड्स खाया हो तो उसमें ओमेगा 6 ओमेगा 3 पाया जाता है। तो ये जो फैटी एसिड्स हैं ये बॉडी के लिए इसेंशियल हैं। नाउ लिपिड्स आर ऑफ लिपिड्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसेचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। ठीक है, तो लिपिड्स जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सैचुरेटेड जो होते हैं वो आपके एनिमल सोर्स से आते हैं, नॉन सैचुरेटेड जो अनसेचुरेटेड जो होते हैं वो प्लांट सोर्स से आते हैं, और ट्रांस फैट जो है वो हम आर्टिफिशियली तैयार करते हैं। तो ये जो सैचुरेटेड हैं ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, और ये रूम टेम्परेचर पे जो है वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल घी, क्रीम, बटर एक्सेट्रा। नाउ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो बेसिकली प्लांट सोर्स से पाए जाते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे ऑलिव ऑयल होता है, सिसमे ऑयल होते हैं, एवोकाडो जो फ्रूट्स होता है, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, फिश ऑयल, वॉलनट, वॉलनट, ये सारे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। नाउ ट्रांस फैट्स क्या होते हैं? ट्रांस फैट्स जो होते हैं उसे हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्री में, सो ये नेचर में नहीं पाए जाते हैं, इन्हें हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं। तो हम ट्रांस फैट को डिफाइन कर सकते हैं जैसे, ट्रांस फैट्स आर टाइप ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड विच आर पार्शियली हाइड्रोजिनेटेड टू फॉर्म प्रोडक्ट्स दैट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जैसे हमने पहले देखा वनस्पति घी, फ्राइड फूड, तो ये हो गया लिपिड का डेफिनेशन। अब आइए आगे देखते हैं कि ये लिपिड हमारे बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होते हैं, ये फैट, हाउ दिस फैट डाइजेस्टेड इन आवर। नाउ फैट जो है वो टेक्स मोर टाइम देन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर डाइजेशन। लिपेज इज द कॉमन नेम ऑफ फैट डाइजेस्टिव एंजाइम। लिपेज जो है वो कॉमन नेम है फैट को जो डाइजेस्ट करता है, जो फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है उसका नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है, लिपेज। सो जैसा कि हमने देखा है पहले, जो लिपेज होता है वो बेसिकली क्या होता है, ट्राई ग्लिसराइड होता है। अब ये ट्राई ग्लिसराइड जो होता है वो लार्ज फैट है। सो लीवर से बाइल साल्ट आता है, बाइल साल्ट ट्राइग्लिसराइड को इमल्सिफाइड करता है। इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड करने का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन करना इनटू स्मॉल पार्ट ताकि जल्दी से रिएक्ट कर सके। सो ये ट्राइग्लिसराइड जो है वो इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट होता है, क्यों? क्योंकि लीवर से बाइल साल्ट आता है। नाउ दिस इमल्सिफाइड फैट गॉट कन्वर्टेड इनटू मोनोग्लिसराइड। हाउ? जब ये लिपेज एंजाइम से रिएक्ट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं इमल्सिफाइड फैट से मोनोग्लिसराइड्स में। अब नाउ इस मोनोग्लिसराइड से स्मॉल इंटेस्टाइन से लिपेज एंजाइम आता है जो कि मोनोग्लिसराइड को ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल, और इसके थ्रू जो फैट है उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। सो इन दिस वे हमने क्या देखा, लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स कुछ नहीं है, बेसिकली एक ट्राइग्लिसराइड है। ट्राइग्लिसराइड का मतलब क्या होता है, 3 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। फर्दर हमने देखा इसेंशियल्स फैटी एसिड्स कौन से हैं जो बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं, तो ओमेगा 6, ओमेगा 3। फर्दर देखा हमने फैटी एसिड को 3 टाइप में
क्लासिफाइड किया गया है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ट्रांसफैट। ट्रांसफैट जो होता है वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर होता है, अनसैचुरेटेड प्लांट सोर्स से पाए जाते हैं और सैचुरेटेड एनिमल सोर्स में पाए जाते हैं। इसके बाद हमने इसका डेफिनेशन देखा, लिपिड्स होते क्या हैं एंड हाउ दे गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज। तो लिपिड है क्या, लिपिड ट्राइग्लिसराइड है। ट्राइग्लिसराइड लीवर से बाइल साल्ट आती है जो कि इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट करती है। इमल्सिफाइड फैट क्या है, सिंपली स्मॉल पार्ट में ब्रेक करती है। ये स्मॉल पार्ट्स में फर्दर लिपेज एंजाइम रिएक्ट करके मोनोग्लिसराइड बनाती है और इस मोनोग्लिसराइड पे फर्दर लिपेज एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा सिक्रेट करके रिएक्ट करती है, तो ये फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाती है और इसके थ्रू जो हमारा लिपिड्स है, फैट है, वो कंप्लीट डाइजेस्टेड हो जाता, डाइजेशन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने देखा बायोमोलिक्यूल्स, डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स देखा, जिसमें सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जाना, फंक्शंस जाना, सोर्स जाना, कैसे ये डाइजेस्ट होते हैं हमारे बॉडी में। सेकंड जो बायोमोलिक्यूल्स हमने देखा वो है प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में देखा, प्रोटीन क्या करती है। तो प्रोटीन जो है वो एसेंशियल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल है। फिर इसके बाद हमने देखा अमीनो एसिड दो तरह के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। फर्दर देखा प्रोटीन को स्ट्रक्चर बेस पे दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलस। फंक्शंस देखा, सोर्सेज देखे, फिर हमने देखा हाउ प्रोटीन गॉट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। सो द थर्ड बायोमोलिक्यूल जो देखा हमने वो है लिपिड। लिपिड बेसिकली है क्या, लिपिड एक थ्री फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल दैट इज ट्राइग्लिसराइड सिंपल फॉर्म है लिपिड का। सो हमने देखा कि व्हाट आर द एसेंशियल फैटी एसिड्स ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ फैटी एसिड एंड हाउ फैट गॉट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हाउ दिस द ट्राइग्लिसराइड गॉट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल। सो इन दिस वे आज के लेक्चर में हमने इन सब बातों को देखा। सो दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।